आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठ कर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थोड़ा पीछे हो जाओ। तो आज हम हमारे बाल कटवाने, मेरे बाल बहुत बड़े हो गए थे तो हमने कहा चलो चलते हैं बाल कटवाने। से मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अब्दुल हद आ गया जी हमारी पकड़ में। कितने दिन से इसको हम कह रहे थे कि जाओ बाल कटवा के आओ, जाओ बाल कटवा के आओ, लेकिन अकेला ये जा ही नहीं रहा था। तो आज आखिर अम्मी ने कहा कि मैं खुद ही इसके साथ जाती हूँ, इसके बाल छोटे करवा लेती हूँ। बहुत बड़े बड़े इसके बाल हुए पड़े हैं। नहाने के मामले में ये बहुत बुरा है, जब तक इसको डांटो नहीं ये नहाता नहीं है खुद से। गर्मियों में ये मुश्किल से नहाता है तो सर्दियों में तो आप खुद सोचें, बड़ा इसको डांटना पड़ता है, बड़ा इसको डराना पड़ता है, फिर जाके ये नहाता है। हम चाहते हैं कि इसके बाल छोटे रहें ताकि सफाई का अच्छे से ख्याल रखा जा सके। अच्छा, यहाँ पर जब गए थे ये चौक पर तो वहीं से फिर अम्मी को मैंने कहा कि आप जो पकाना है वो भी लेते आइएगा। आज रात के पापा ने आना था तो मैंने कहा आप चिकन ले आइए, मतलब उन्होंने कल कहा था कि मैं आऊँगा, अभी पक्का कंफर्म तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कहा आप चिकन ले आइएगा, रख देंगे, अगर वो आज ना भी आए तो फ्रिज में रख देंगे, कल बना लेंगे, जिस दिन वो आएँगे उसी दिन ही बना लेंगे। फिलहाल आप ले कर आ जाइएगा ताकि मामू को ना कहना पड़े। यहाँ पर अब्दुल हद आपको दिखा रहा था सारे फ्रूट्स वगैरह। अम्मी जब वहाँ से वापस आई है ना, भूख लगी हुई थी अम्मी को, तो अम्मी ने कहा कि रोटी पड़ी ही नहीं है, आटा भी नहीं गूंदा हुआ, तो जल्दी में फिर यही हो सकता था कि चावल के आटे की रोटी बना लें, उसमें आटा नहीं गूंदना पड़ता ना, उसी टाइम बस आटा घोलो और रोटी बना लो। तो रोटी वो बनाई है, अचार के साथ खाई है, घर में अचार रखा हुआ था। नादिया गई थी अपने ससुराल गाँव में तो वहाँ से ये अचार ले आई थी, तो उसने हमें भी थोड़ा सा दिया था और बड़ा अच्छा देसी घर का बना हुआ अचार था, बड़ा मज़ेदार। फिर खैरात के पापा ने जी कहा कि वो आज नहीं आ रहे तो हमने चिकन रख दिया। फिर हमने रात को कुछ भी नहीं पकाया, ये कद्दू का सारन शुमाइला ने बनाया था और दाल नादिया ने दी थी, तो इस तरह से हमने रात का खाना कर लिया था। अभी यहाँ पे दूसरा दिन हो चुका है तो मम्मी आपको दिखा रही है कमरे की सफाई वगैरह हो चुकी है, घर के सारे काम हो चुके हैं और अभी यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज सुबह नाश्ता नहीं बनाया था, चाय बनाई थी और हमारा गैस ख़त्म हो गया था, तो चाय के साथ बस वो पापे वगैरह मंगवा के वो खा लिए थे, रोटी नहीं बनाई थी। तो अब्दुल्ला छोर में जा रहा था कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मेरी स्कूल की छुट्टियां हैं तो आप लोग मुझे टाइम पे नाश्ता भी नहीं देते हो। असल में पहले ये होता है कि सुबह जल्दी उठ के 5-6 बजे ही अब्दुल्ला की तो रोटी बना ली जाती है, कभी मैं बना लेती हूँ कभी अम्मी बना लेती हैं, उसके बाद फिर गैस चली जाती है ना, तो मतलब उसको टाइम पे नाश्ता करवा के हमने स्कूल भेजना होता है तो टाइम पे बना लेते हैं। लेकिन अब यह है कि छुट्टियां हैं उसकी तो सुस्ती हो जाती है, हम भी सोए रहते हैं थोड़ा, तो लेट उठते हैं तब तक गैस भी चली जाती है, और आज तो खैर सिलेंडर ही नहीं था वरना तो सिलेंडर पे हम नाश्ता बना ही लेते हैं। यहीं पर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और मेरी फैमिली से जुड़ जाइए। मुझे पता है जितने भी लोग मुझे देखते हैं ना वो बहुत लॉयल हैं, बहुत मुझे दिल से देखते हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए देखते हैं, वरना मेरी बहुत सिंपल सी लाइफ है, बहुत वही रूटीन, वही नाश्ता, वही खाना, वही घर के काम, तो मतलब मेरी लाइफ में कोई रोल ट्विस्ट नहीं है, कोई ऐसा कोई फ़न नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जो कि आपको देख के अच्छा लगे, आई नो, लेकिन बस जैसी है ज़िंदगी वही दिखाती हूँ। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग फिर भी देखते हैं, थैंक यू सो मच। अम्मी बेचारी ने ना रज़ाई खोल के बड़ी गलती कर ली है, अब रज़ाई के जो काम है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। पहले अम्मी लेकर आई थी वो एक कवर उसके लिए ना, रज़ाई के लिए, तो सबने कहा कि ये ऊपर वाली साइड पे रखो, नीचे वाली साइड के लिए सादा जो होता है कपड़ा वो ले ले। तो फिर आज फिर अम्मी बाज़ार गई थी, वो सादा वाला कपड़ा लेकर आई थी। अब्दुल्ला यहाँ पर खेल रहा था और ये चने लिए हैं, नाश्ते में नाश्ता बन रहा था ना तो नाश्ते की चीज़ें अम्मी आपको दिखा रही हैं, चने लिए थे, दोपहर का टाइम था, चाय तो हम सुबह सुबह ही पी चुके थे तो अब रोटी के साथ खाएं क्या, ये सोच रहे थे, सालन वगैरह भी कुछ नहीं रखा हुआ था। तो 12 बजे फिर चने शुक्र है कि मिल गए, वरना 12 बजे तक तो ख़त्म ही होते हैं तकरीबन। लेकिन अब्दुल्ला जाके चौक से ले आया था, अभी उसकी साइकिल बन गई है ना माशाल्लाह, तो इसको कोई चीज़ लेने के लिए भेजो तो बड़ा खुश होकर जाता है कि मुझे साइकिल पर जाना होगा।
बड़े प्रॉमिस बड़े प्रॉमिस कर करके इसने हमसे साइकिल बनवाई है कि मुझे बनवा दे, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे हम धूप में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, मज़ा ही आ गया धूप में बैठ के नाश्ता करने का। और ये मिठाई है, मिठाई क्या मतलब जलेबी है। मम्मी गई थी ना वो रज़ाई का वो छाड़ा लेने कवर नीचे वाला, तो अम्मी लेकर आई थी जलेबी। अम्मी कह रही थी अब्दुल हाथ फर्स्ट आया तो चलो जी सबका मुँह मीठा घर वाले तो करें। बड़े मामू और फूफू भी आए हुए थे तो उनको भी जलेबी खिलाई है अब्दुल हाथ के फर्स्ट आने की खुशी में। यार हम भी आया वो बैठा है, इसने भी बड़े खुश हो गए खाई। नादिया है, नादिया को भी दी थी, मतलब वो एक सही तरह से मिठाई तो नहीं ली थी लेकिन चलो जलेबी भी मीठा ही होता है ना, बस मुँह ही मीठा करना है तो बंदा किसी भी चीज़ से कर सकता है। और ये अम्मी लेकर आई थी माल्टे, तो हम धूप में बैठ के खा रहे थे। पप्पो ना का घर भी छोटा है ना, तो वो कह रहे थे हमारे घर में धूप नहीं आती, तो कहती हैं कि मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी, मैंने कहा चलो इनके घर जाके थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। तो यहाँ पे जी आ गए थे हाथ के पापा, और ये जो फर्स्ट आया है तो इसके पापा ने कहा कि मैं आऊँगा तो बताओ क्या खाना है। तो इसकी जो फरमाइश होती है वो आप लोगों को पता ही है, तो मैं आपको बताती हूँ। अब्दुल अहद आया ना फर्स्ट, तो उसकी फरमाइश उसके पापा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम फर्स्ट आए हो तो गिफ्ट के तौर पे क्या चाहिए। तो इसकी एक ही चीज़ होती है, भाई मुझे पिज़्ज़ा खिला दो। तो अपने पापा को इसने कहा था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो वो आ गए थे और फिर यहीं पे आके ना ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। कह रहे थे कि आते आते ठंडा हो जाएगा, तो यहीं पे बैठे बैठे अभी ऑर्डर किया। तो अब डिलीवरी बॉय आ चुका है हमारी गली में, वो रिसीव करने गए हैं। और ये रहा अब्दुल अहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पिज़्ज़ा आ रहा है, बहुत खुश हैप्पी। चले पिज़्ज़ा आता है तो फिर आपको भी दिखाते हैं। ये इसके पापा का चीज़ें वीज़ें अभी यहीं पे पड़ी हुई हैं। आज उनके ऑफिस में कोई फंक्शन था तो उन्होंने आज 3-पीस सूट पहना हुआ था। चले फिर पिज़्ज़ा आता है तो आपको दिखाते हैं जी। अब्दुल हाथ का पिज़्ज़ा आ चुका है। ओपन करते हैं जी। हाँ जी इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स्ट्रा चीज है इसमें, तो बड़ी ज्यादा चीज ही चीज भरी हुई है इसमें। चीज चीज ऊपर तो बड़ी ही चस आ गई। जी तो ये था हमारा आज का व्लॉग। रात को बस पिज्जा खाया, उसके बाद और ज्यादा शूट भी नहीं कर पाई। तो आज के पापा काफी लेट गए थे, रात को चला के फिर गए थे। तो ये उनकी तरफ से ट्रीट थी अब्दुल अहद के फर्स्ट आने की खुशी में। इसका रिजल्ट कार्ड देखा, फिर इसको शाबाश दे रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे तो माशाल्लाह कि अब्दुल अहद फर्स्ट आया है, तो उसको इनकरेज कर रहे थे। छोटी छोटी माँ बाप अगर बच्चे को अप्रिशिएट करें ना, उसकी हौसला अफजाई करें, तो बच्चा जो है ना फिर मोटिवेट होता है और फिर अगली दफ़ा और ज़्यादा मेहनत करता है ताकि उसके बड़े खुश हों, माँ बाप खुश हों उसके। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब करे, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो भी जिस फील्ड में भी हैं, चाहे किसी बड़े भी बच्चे हो जाए ना, तो माँ बाप के लिए तो छोटे ही होते हैं, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। सबके बच्चों को अल्लाह पाक कामयाब करें, जो स्टूडेंट हैं अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। बस इसी अच्छी सी दुआ के साथ जी आज का ब्लॉग भी शुरू करते, कह रही आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। अभी ये दूसरा दिन हो चुका है, रात का ब्लॉग मैंने 2 दिन का ब्लॉग आज मैंने लगाना है। तो आजकल मैं इतनी कोई सुस्त हुई पड़ी हूँ, ब्लॉग्स मेरे से बन नहीं रही, क्या मुसीबत है पता नहीं, मुझे इतनी सुस्ती हो रही है। दुआ करें कि मैं जल्दी एक्टिव हो जाऊँ और रोज़ ही मैं ब्लॉग लगाऊँ ना, छुट्टी हो जाती है। मुझे तो इस दफ़ा फिक्र हो रही है मेरे $100 भी नहीं बनेंगे तो क्या होगा यार। तो आ करें मेरे $100 इस दफ़ा बन जाए, मुझे सैलरी मिल जाए, वरना $100 नहीं बनेगी तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। चलें कोशिश करूँगी कि अब छुट्टी ना करूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।